सारे भाईजाना धर्मवीर मोर की राम राम। आज ऐसी जगह पे पहुंचे हैं, आपको बहुत कुछ इसमें दिखाएंगे। सबसे पहले तो आप एक बार, मैं कैमरामैन से कहूँगा कैमरे को एक बार चारों ओर घुमा दे, चारों ओर घुमा दे। और यहाँ पे कुछ ऐसी बड़ी बड़ी मशीनें खड़ी है, बहुत बड़े बड़े ट्रकों के ऊपर जिनको मतलब के चढ़ा करके लेके आया है। ये क्या मशीनें हैं, किस चीज़ में काम आती है और कहाँ से चलकर कहाँ जाएंगी, कितना इनका चलने का जो समय है, पहुँचने का जो समय है, और ये फ्लाईओवर जो बना हुआ है यहाँ पे जम्मू कटरा वाला, इसको क्रॉस कैसे किया है, ये सारी बात भाई साहब जी हमारे साथ खड़े हैं, तो इनको नाम जानना चाहेंगे सबसे पहले। क्या नाम भाई साहब? दिनेश यादव। दिनेश यादव हमारे साथ जुड़े रहेंगे, जो भाई सारे इसका हमें एस्टिमेट देंगे, क्या चीज़ें हैं, किस काम आती हैं। तो दिनेश जी, जो ये चीज़ें यहाँ पे खड़ी हैं, इन मशीनें भी कह सकते हो उनको, ये कहाँ से चल करके और किस चीज़ में काम आती हैं? ये गुजरात से आई है और इसको बॉयलर बोलते हैं हम लोग, बॉयलर, और डीजल पेट्रोल सीएनजी सब फिल्टर करने का काम है। अच्छे जी, तो सर ये आपने बताया कि गुजरात से आई है। जी, तो गुजरात से और जाएंगी कहाँ पे? पानीपत। पानीपत, गुजरात से और पानीपत का जो सफ़र है बीच का, वो कितने दिनों में आप सफ़र को? अभी ये मशीन है, इसको तो 4 महीने के ऊपर हो रहा है, वैसे है इसको भी 4.5 महीने हो गए। इस मशीन को दिखाओ, इसको 4.5, वहाँ से चले हुए? जी चले हुए, ठीक। और अभी 10-15 दिन और लग सकती हैं। यहाँ पे जो गाड़ियाँ रुकी हैं, एक वीडियो हमने पहले भी बनाई थी जी, फ्लाईओवर से उस साइड की। जी जी, तो फ्लाईओवर के इस साइड आने के लिए सरकार से परमिशन ली है या कैसे ली है, कैसे इनको इन्हें रास्ता? NHAI से परमिशन लेना पड़ता है। अच्छा जी, सरकार का तो हमारा परमिशन रहता है मोर्ट का। हाँ, अच्छा जी। तो यहाँ पे क्या पास नहीं होती है, तो हम वहाँ पे रैंप बना के चढ़ाए भी है और रैंप बना के उतारे। तो भविष्य में अगर हम बात करें तो ये गाड़ियाँ आ चुकी हैं या और भी आ सकती हैं? अभी बहुत आएंगी, बहुत आएंगी। नया प्लांट बन रहा है जो इंडियन ऑयल का है। ठीक है जी। एक प्लांट था पहले से, अभी दूसरा प्लांट बन रहा है। अच्छे, तो लगभग अभी कम से कम 250-300 गाड़ियाँ आएंगी, और कम मिनिमम। तो इसका मतलब तो हाईवे का जो आपने रोड की परमिशन लिया, उसको परमानेंटली बनाना पड़ेगा इनके लिए? जी जी, वो हर बार आएंगे तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि हर रोज़ तो यहाँ से उठेगा नहीं, ये वही उठा दिया गिरा दिया। नहीं नहीं, ऐसे ही होगा, काम करके हटा देना है, वो रखना नहीं है। अच्छा अच्छा जी, तो ऐसी कितनी यहाँ पे गाड़ियाँ खड़ी हैं? यहाँ लगभग कम से कम 10-12 होंगी। हाँ। और अगला जो भारत माला पे, वहाँ पे भी 152 पे भी, 152 पे भी खड़ी है। जी जी, तो अगर हम इन गाड़ियों के टायर की बात करें, जी इनके अंदर टायर में मतलब अंदाजा है, 20 एक्सल है तो एक लाइन में 8 रहते हैं, तो 260 तक हो जाएगा। कैमरे की तरफ थोड़ा देरी हो जाएगी, थोड़ा सा आगे भी आंधे रहा हो, लगभग लगभग 200-250 के आसपास है टायर। टायर जी देख लो भाई, 200-250 टायर हर गाड़ी के अंदर है। और अगर हम बात करें, इनको थोड़ा सा जूम से दिखाएंगे। तो दिनेश यादव जी, गाड़ी है जी, कितनी पावर है इस गाड़ी के अंदर जो इसको खींच के लेके आई है, कितनी पावर? 500 है, 500। अच्छा, वोल्वो का गाड़ी है, इसके ऊपर 520 आता है। अच्छा, समझ लो सबसे हाई पावर, सबसे हाई पावर की गाड़ी है। देखिए आप देख सकते हैं, इसमें कितने एक्शन अगर हम इसमें 10 टायर है, पावरफुल गाड़ी जिसको लेकर के चलती है, सब हम बात करेंगे इसके अंदर भी खड़ा हुआ। मेरे साथ आ जाए, सब आदमी है खाना बना। ये देखो भाई, ये खाना चल रहा है अंदर गाड़ी के अंदर ही, इनका ऊपर आ जाए, गाड़ी के अंदर ही खाना चल रहा है। कैसे हो भाई? सारे राम राम बोल दो, नमस्कार, सारे राम राम, राम राम, राम राम। ये देखो भाई, यहाँ पे बेचारे ये सारा, इसके अंदर जो कच्चा तेल है उसी को फिल्टर करके आगे भेजा जाता है। कच्चा तेल को बाहर से कच्चा तेल आता है, इससे फिल्टर होके फिर पंप पे जाता है। ये देखिए भाई, एक बार टायर देख लीजिए, बात करें हम खड़े जो दिखाई दे रहे हैं, छोटे दिखाई देंगे, यादव जी इधर आ गए। तो एक दिन सड़क से जा रहे थे, तो यादव जी गाड़ी में थे, तो इसने बोला कि कभी आओ इधर, वो हम सारी की झेल देंगे। तो आज पहुंच गए यहाँ पे, और पीछे की तरफ घुमा दे कैमरा भाई ऐसी कर, ये देखो भाई 20 के लगभग यहाँ पे गाड़ी खड़ी है। और इनका सफ़र भाई ने बताया 4 महीने से अभी चले हुए हैं, अब कितने दिन और लगेंगे वहाँ तक? अभी 8-10 दिन तो लग जाएंगे मिनिमम, नहीं तो 10-12-15 दिन। अगर कंटिन्यू चलते हो या रात दिन या कैसे चलते हो? हम दिन में चलते, जैसे हमारा 6 से 6 परमिशन रहता है दिन में। अच्छा,
और कभी सीटी उटी हुआ तो उसमें रात में चलते हैं। हाँ, ये जो रात में चलने की ज़्यादा परमिशन क्यों नहीं है? सिटी में ट्रैफिक रहता है इसके लिए, और बिजली की तार वगैरह भी जी, बिजली की तार हो तो शट डाउन लेना पड़ता है, बंद करवाना पड़ता है। जब ये आप क्या नाम है, ये जुगाड़ जो बना रखे हैं आप जी पटली वाले, ये चालू लाइन में लगा देते हो या बंद करवाते हो? वो उठने लायक रहेगा तो लग जाएगा, अगर टच होने लायक रहेगा तो उसको बंद करके उठा जी। तो देखिए शोरूम भी करा दो, और गाड़ियों के पास लेके चलते हैं जब तक वीडियो को पुश कर ले। कर दिया सर। राम राम। हाँ राम राम। कैसे हो? ठीक। आप ड्राइवर हो, हेल्पर क्या हो आप? नहीं, वो बाम्बू उठाने वाला। अच्छा, वायरमैन। वायरमैन उठाने वाला, वायरमैन। लेकिन अभी आप कह रहे थे कि मैं यहाँ पे चार से नहीं, अपना स्टाफ 16 आदमी है, 16 आदमी का खाना बनाता हूँ। 16 आदमियों का खाना भी बनाते हैं भाई, रसोईया भी कह सकते हो इसको, ये बहुत अच्छा रसोईया भी है। खाने में क्या बनाया है आज? दाल बनाया, पत्ता गोभी भाजी। ठीक। सारा बनाने का सीखने का था या पहले घर पे ही करते थे? नहीं नहीं, ये गाड़ी में सीखा है। गाड़ी में सीखा, ये सब गाड़ी में सीखा है। घर में तो इसकी बीवी खाना बना देती है या घर में भी बनाते हो? नहीं, घर में नहीं बनाता। अरे बना देंगे कभी कभी, बहुत कम बनाता हूँ, चिकन वगैरह होता तो कभी कभी चली जाती है वहाँ पे। चलो, तो ये देख सकते हो यहाँ पे गाड़ियाँ लगभग सभी सिस्टम है, इसे से कटिंग किया जाता है। अच्छा, और हाई डाउन भी किया जाता है कहीं ब्रिज। अच्छा, गाड़ी की जो हाई डाउन 6 इंच तक डाउन हो जाएगी जी, और उठाना हो तो इसके अंदर ये शॉक भी लगा सिलेंडर है, उसको सिलेंडर बोलते हैं। अच्छा, सिलेंडर। ऑयल सिस्टम, ऑयल रहता है, हाइड्रोलिक। अच्छा, हाइड्रोलिक सिस्टम है इसके अंदर, पेट्रोल, डीजल और सीएनजी जी, फिल्टर तीनों को मिला के फिल्टर करके अलग अलग सबका जॉब रहता है। अच्छा जी, अभी आईएससीएल में जाएगा, जो जॉब जहाँ कराएगा वहाँ पे अलग फिट करेंगे। आगे चल रहे पड़ेगा ये, यहाँ पे देखिए खाना वाना चल रहा है, खाना वाना खा लिया। बोलिया जी, बोलिया जी के मान सम्मान के तकरीबन गाड़ियां है, इसी के अंदर घर है, ये भी फौजियों का जैसा सफर है, इतना जैसे फौजी भाई चलते हैं। हां, तंबू भी बांध के इसके चलते हैं। मतलब अगर बात कराएं तो बनाने की, बनाने वाली मशीन कितनी कितने आकार की बड़ी है? बड़ी अभी ये तो बहुत ही बड़ी है, इससे बड़ी यही लाना नामुमकिन है। नहीं नहीं, बनाने के लिए कितना टाइम लगता है? बनाने के लिए तो 2-3 साल लगता है। सारा बड़ा है ना। और इनको लोडिंग कैसे किया जाता है? क्रेन से। क्रेन, बड़ी क्रेन, 500-600 बड़ी बड़ी क्रेन है। हाँ, इंडिया की बात अगर करा तो हर चीज पावर मैन में यहाँ पे होती जा रही है। इंडिया की आर्मी देख लो, इंडिया की ये जो टेक्नोलॉजी देख लो आप, और इधर देख लो एक बार, गाड़ी की सभी गाड़ी एक ही पावर की है जी, जी कुछ कम है थोड़ा थोड़ा कम है, जिसपे हैवी जॉब है वो बड़ा पावर की है, 500 या 520, और थोड़ा कम वाले में 400 ऐसा लगा। तो पानीपत के अंदर जो नई रिफाइनरी बनने जा रही है, वहाँ पे बहुत सारी गाड़ियाँ ऐसी आएंगी, और न्यूज़ के बाद अभी हम आपको बताना चाहते हैं, जिस भी भाई को देखो रिफाइनरी में जाने के बाद शायद आपको वहाँ पे एंट्री मिले ना मिले, लेकिन उससे पहले अगर किसी दर्शक को यहाँ पे ये चीज़ें देखनी है, फोटो शूट करने हैं या कुछ भी करना है, तो यहाँ पे बिल्कुल एक मेला एक लगा हुआ है गाड़ियों का। तो आप देखिए पीछे मुड़ के देखिए, कैमरामैन से कहूँगा ये देखिए, मतलब आप यहाँ पे देख सकते हो, ये जम्मू नेशनल हाईवे, जम्मू कटरा, जम्मू कटरा वहाँ पे गाड़ियाँ रुकी हुई हैं, रेस्ट है, क्योंकि इन्होंने फ्लाईओवर को चेंज क्रॉस किया था जी, और इसीलिए यहाँ पे भाइयों का टाइम लगा हुआ है। तो सर जो हमने दर्शक देख रहे हैं उनको क्या कहना? उन्हें धन्यवाद बोलेंगे। अच्छा जी, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और ये वीडियो को यादव जी आपने अपने वहाँ भी भेजना है जी, जी फैमिली में भेजना, और ये जितने भी भाई यहाँ पे ड्राइवर भाई सबको अभी चैनल को सब्सक्राइब करवा दें, और अभी आपको शाम को ये वीडियो मिल जाएगी। धन्यवाद, आपने इतना समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तरफ से मिलते हैं फिर कभी, और कभी आना हुआ तो वहाँ भी मिलेगा जी। जी, धन्यवाद।